यूपीएससी हर बच्चे का सपना होता है और उस सपने को पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत कड़ी मेहनत लगती है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां हर एक बच्चा यूपीएससी के बारे में सोचता है, और बिहार ही ऐसा खनन है जहां पर अब जब हर जिले में खोदेंगे तो वहां पर सोना निकलने के बदला वहां स्टूडेंट का सोना निकलेगा, जहां एक से एक बच्चे कीर्तिमान के रूप में निकलेंगे। तो हमारे बीच राहुल आनंद जी हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, और देख सकते हैं उसके परिवार के लोग कितने खुश हैं। और एक लौते बेगूसराय से यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं 2021 का, जो कि यूपीएससी है वो क्वालिफाई किए हैं। हालांकि पूरे ज़िले में, पूरे बिहार भर के जिले में बहुत सारे बच्चे पास किए होंगे, लेकिन एकलौते बेगूसराय से हैं और बेगूसराय का नाम इन्होंने गौरव के रूप में किया है। और हम सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं कि इतना अच्छा नंबर लाया है। और आपको देखकर जो दर्शक अभी जुड़े हैं आपकी कहानी सुनकर बहुत ही खुश होंगे। धन्यवाद, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने मुझे ये बधाइयां दी हैं। इनका नाम है राहुल आनंद जी, और सबसे पहले आप बताइए कि आपने पढ़ाई कहां से की थी? जी, मैंने 10वीं BRDAV पब्लिक स्कूल बेगूसराय से की, इसके बाद मैंने 12वीं सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से की, उसके पश्चात मैंने BTEC इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में IIT पटना से 2021 में ग्रेजुएट हुआ मैं, और उसके बाद मैंने ये सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी। अच्छा, ये 10th कहां से किया था BRDAV में, कौन से ईयर में? 2015। अच्छा, 2015 में। आपको लगा था कि मतलब उस समय कौन साइंस ही लेना है आपको, क्या उस समय 10th में तो हमको नहीं लगता कि UPSC वगैरह ख्याल आया होगा? जी, इतना दूर का तो मैंने नहीं सोचा था। उस टाइम मुझे साइंस, स्पेशली मुझे मैथ्स में काफ़ी रुचि थी, तो मैंने मैथ्स को चुना था अपने 11वीं में, और उसी के साथ मैंने 12वीं में मतलब साइंस से मैथ्स स्ट्रीम से मैंने पास की थी वो। अच्छा, एक कनेक्शन थोड़ा सा BTEC आपने किया है इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकल और फिर सिविल सर्विस, क्या कनेक्शन रहा इसमें? जी, पब्लिक सर्विस की जो थोड़ी सी चिंगारी थी वो मेरे अंदर हमेशा से थी। अच्छा। तो मैंने जब मैं ग्रेजुएशन में गया तो मुझे समझ में आया कि मैं सिविल सर्विस में जाके ये जो है मैं बिल्कुल पब्लिक सर्विस कर सकता हूँ, ज़्यादा लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता हूँ, कुछ समाज सुधार करने में मैं एक बड़ा योगदान दे सकता हूँ। उसके बाद तत्पश्चात मैंने कॉलेज में कुछ NSS की गतिविधियों में जुड़ा था, जैसे मैं गरीब बच्चों को मुफ्त की शिक्षा होती थी मैं उसमें पढ़ाता था, तो उसे मुझे पता चली कि गाँव के बच्चों में काफ़ी कमी है शिक्षा की और मैं उस क्षेत्र में कुछ काम कर सकता हूँ। इसके पश्चात मैंने मन बनाया कि मैं UPSC की परीक्षा दूंगा, और उसके पश्चात मैंने तैयारी शुरू की थी। कितना रैंक आया आपको पूरे में? 321 आया। तो एक बात बताइए सर, आपका जो जॉब होगा वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वाला होगा, मतलब प्रशासनिक जॉब है, थोड़ा सा कड़े मतलब आपको डिसीजन लेने होंगे, और आप काफ़ी स्वीट हैं क्योंकि अभी सॉफ्ट हैं और 22 ईयर्स के इतने कम एज में आपने निकाला, कैसे हैंडल करिएगा सब कुछ? जी, मैं सॉफ्ट तो मैं बोलूँगा हमेशा सबको होना चाहिए, साथ ही साथ हमें ज़रूरत पड़ने पर जब भी हो हमें स्ट्रिक्ट बनना होता है, हमें लॉ के अनुसार चलना होता है, कोई भी अगर दोषी है किसी भी चीज़ के तो हमें उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, तो वो जो मैं ज़रूर लूँगा जो भी जब भी समय आए। अन्य उसके पश्चात तो मैं चाहता हूँ कि हर एक सिविल सेवा अधिकारी या किसी भी अधिकारी को हमेशा स्वीट बने रहना चाहिए जैसे आप मुझे कह रहे हैं, ताकि लोगों से मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से जुड़ पाऊँ, उनकी समस्याओं को समझ सकूँ। कोरोना काल को आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। जी, कोरोना काल में मैं बोलूँगा मुझे कुछ अतिरिक्त समय मिला था प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने उसका काफ़ी उपयोग किया था। मूल मंत्र जाते आते बताइए कि आपका मूल मंत्र क्या है, मतलब कैसे मतलब इस एग्ज़ाम को पास करना है ये बताइए। कि पहले तो लिमिटेड सोर्सेस, मल्टीपल रिवीजन और मेहनत और लगन से ईमानदारी वाली पढ़ाई, अगर डिसिप्लिन से आप 8 से 10 घंटे करते हैं एक साल या 1.5 साल, तो आपकी सफलता बिल्कुल आपकी कदमों में होगी। आपने पहले अटेम्प्ट में निकाला? जी, मेरा बिल्कुल पहला प्रयास था। चलिए, आप तस्वीरों में देख सकते थे कि परिवार वाले जब हम इंटरव्यू ले रहे थे तो सब कितने खुश थे, और हमारे बीच उनकी माता जी हैं, इनसे जाने कैसा लग रहा है, पूरे मोहल्ले के नज़र अब आप पे है और आपके घर पर है, और मुझे लगता है कि कल से ही जब से रिजल्ट आया होगा सब लोग पूरे आप पे नज़र रखे होंगे। जी सर, ऐसा हुआ। क्या कहना चाहेंगे अपने उन माओं के लिए कि जो अपने बच्चों का सपना लेकर रहते हैं कि UPSC निकाले? बहुत खुश हैं सर, बहुत खुश हैं। जी, उन माओं को क्या कहना चाहेंगे जो राहुल आनंद जैसा बच्चा उनका हो और आगे बने, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको धन्यवाद देंगे। आपका हमेशा आशीर्वाद रहा इनको? जी, आशीर्वाद रहा। कभी बोले नहीं कि मतलब ये करो या वो करो, इनको हमेशा? हाँ, बोलते थे बचपन में, पढ़ाते उड़ाते थे तो बोलते थे देखो बेटा फलना ये पेपर में रोज में पढ़ती थी तो देखते थे कि ये बन गया वो बन गया, फलना का बेटा वो बन गया ये बन गया, तो कहे थे देखो सब पढ़ता है तो आगे बढ़ता है ना, तुम भी पढ़ाई करो तुम भी बनोगे, यही बात सब दिन यही प्रेरणा देते रहे। तो चलिए, आपने सुना कि इन्होंने कहा कि आप काम करते रहिए, सभी के बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, और
देश का और भविष्य का नाम होगा। और बिहार ही ऐसा जगह है जहां हर बिहारी सोचता है कभी ना कभी वो यूपीएससी और बीपीएससी पास करे। और बेगूसराय के इकलौते राहुल आनंद जी ने यहां कीर्तिमान लगाया है और इनके इतना अच्छा नंबर आया है कि इकलौते ये बेगूसराय के हैं और इनके अलावा कोई बेगूसराय में नहीं किया। हालांकि बहुत सारे ज़िलों में किया है लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और आने वाले समय में इन्होंने कहा कि कैसे अगर पढ़ना है और कैसे इनकी तरह बनना है तो इनका जो मूल मंत्र है वो आपको मिल चुका है। तो जाते जाते एक सवाल करना चाहेंगे, बेगूसराय के लोग आपसे अगर मदद करने के लिए आएंगे तो उनको क्या कह रहे हैं, उनकी हेल्प करेंगे? जी मैं किसी की मदद करूँगा, वो बेगूसराय के लोग हैं, भारत देश के कोई भी लोग मेरे पास आएंगे मैं पूरी जितनी मेरे बन सकती है मैं पूरी तरह से उनकी सहायता करूँगा। देख सकते हैं कि परिवार कितना खुश है और ये खुशी तब आती है जब एक बच्चा सफलता लाता है। और यहाँ भी देख सकते हैं सभी कितने खुश हैं और एक परिवार खुश रहता है। कुछ जानना चाहेंगे आप लोग, क्या कहना चाहेंगे इनकी खुशी पर? क्या कहें, बहुत खुश है, बहुत खुश है। और क्या, बेगूसराय का नाम रोशन हुआ, चित्रगुप्त नगर का। बच्चा अपना प्रेरित कर लिया है, मेहनत किया है, हो गई है। यस, हम बहुत खुश हैं। अरे तो और क्या कहना चाहेंगे उसके बाद पे? आपसे आपसे कहना है बहुत खुशी, बढ़िया रहना चाहिए बेटा, तुम ठीक से रहो, समाज को सेवा करो, समाज सेवा करना ठीक है बेटा। ये छोटी दो बहन है, इनसे जाने आपके भैया ने इतना अच्छा रैंक लाया है, इतना अच्छा पोस्ट पे गया, क्या कहना है? बहुत अच्छा लगा और भैया से बहुत इंस्पायर है, भैया के जैसा बनना चाहते हैं। क्या नेक्स्ट उम्मीद मम्मी आपसे करती है कुछ? जरूर। आप क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी हुई कि भैया इतना अच्छा रैंक लाए, हम लोग भी उन्हीं के जैसे पढ़ना चाहते हैं। अब तो मौका मिल गया कि मम्मी को भी बोलने का कि नहीं पढ़ोगे, भैया देखो पास कर गए। चलिए हाँ, कुछ हमें बहुत खुशी हो रही है, भैया जैसे भैया से हम इंस्पायर भी हो चुके हैं, जैसे भैया ने जितनी मेहनत। तो मौका मिल गया मम्मी को बोलने का कि देखो वो पास कर गए, अब तुमको भी करना। हाँ सही बात है, सही बात है, तब पढ़ोगे ना। हाँ हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिली है, उस हम उम्मीद करते हैं कि हम उनसे भी ज़्यादा अच्छे से पढ़े और उनसे भी ज़्यादा अच्छे रैंक लाए। तुम क्या कहना चाहोगे? हमें बहुत खुशी हुई, हमारे भैया इतने ऊँचे रैंक तक पहुँचे, हमें भी उम्मीद है हम भी उतने ही अच्छे से पढ़ेंगे और हम भी उतने ही रैंक लाएंगे। हमें बहुत खुशी मिली कि हमारे भैया ने इतने उच्च पद पर अपना हासिल किया, हम भी उन्हीं के जैसे बनेंगे। हाँ बहुत अच्छा किया है, पहली प्रयास में इतना अच्छा रैंक लाया, हम लोग भी अपने बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि तुम लोग भी पढ़ो, इस तरह से आगे बढ़ो और अच्छा करो। हमको तो बहुत खुशी हुई, कल से ही हम बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खुश का उतना हम प्रकट नहीं कर सकते हैं कि कितना खुश हैं बच्चा के लेके। हम लोग को पहले से पता था कि ये जरूर कुछ करेगा, इसलिए देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा परिवार खुश है। और जब भी बच्चे ऐसे निकलते हैं तो एक फैमिली सपोर्ट और पड़ोसियों का सबका सपोर्ट मिलता है। और इन लोगों का कहना है कि हम आगे भी खुश हैं और ऐसे ऐसे सभी बच्चे ऐसे ऐसे परिणाम लाएंगे तो एक समाज भी बेहतर बनेगा। हमारे बीच आज राहुल आनंद के पिताजी हैं, विनोद जी हैं, जो पेशकार हैं कोर्ट में और बेगूसराय में। देखते हैं सर कैसा गर्व हमें फील हो रहा है। हम जो चाहते थे वो हमको प्राप्त हो गया। सर यूपीएससी का जो है एग्ज़ाम निकालना मायने रखता है, बेगूसराय से इकलौता है जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, जिले वासियों को किस तरह से अभिवादन करना चाहते हैं? इसलिए तो हम सब यही कहेंगे कि जिस बच्चे जो है जिस लाइन में आगे जाना चाहे उनको रोकना नहीं है, उसी में उनको प्रोत्साहन दे के आगे बढ़ाना है, वो निश्चित रूप से सफल। मात्र 22 साल के एज में इन्होंने क्वालिफाई किया है, क्या कहेंगे उस युवाओं से जिनको लगता है कि जो है एक छोटा सा जॉब भी नहीं हो सकता है और इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया? नहीं सर, जो अगर दिल से लग जाएंगे और अपना कड़ी मेहनत करेंगे तो उनको निश्चित मिलेगा।